अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज हम बनाएंगे चीज़ फ्राई। चीज़ फ्राई करेंगे हम डिफरेंट तरीके से और ज़बरदस्त मज़ेदार। दो कप हम मैदा लेंगे, इसमें एक अंडा जाएगा और हाफ टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, नमक, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी शुगर, 1 ईस्ट डालेंगे हम इसमें। यीस्ट जो होती है ये मैदे को फुलाएगी और अच्छी सी डो बनाएगी जो हम चीज के ऊपर लेयर की तरह चढ़ाएंगे। ये हमारी यीस्ट और ये 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें 1 कप दूध और 1/2 कप पानी मिक्स करेंगे। जी दूध बहुत गर्म था इसलिए मैंने उसी में पानी डाल दिया। दूध और पानी ये मैंने मिक्स करके इसमें डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें हमारा वो मैदे वाला मिक्सर रेडी है। हम इसको अब 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके, अब हम क्यूब्स की शक्ल में चीज़ को कटिंग करेंगे। ये देखें हमारे पास स्टिक्स जो है वो बहुत बारीक है इसलिए हम एक की जगह 2 स्टिक यूज करेंगे। जी ये देखें, अब हम चीज को ये जो हमने वो मटेरियल बना के रखा था मैदे वाला डो जो हमने बनाई थी इसके ऊपर लेयर देने के लिए हम उसमें इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स इसको डिप करेंगे। जी ये देखिए, अब हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था, अब हम इसको गर्म ऑयल में डालेंगे। ये देखें, ये नगेट्स लेके मैंने छोटी छोटी कटिंग की है उसकी, हम इसको भी इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें चीज़ को पहले हम इसमें डिप करेंगे मैदे में। इस तरह से इसको डिप करेंगे, उसके बाद हम नगेट्स का जो हमने कट करके रखे हुए थे उसके ऊपर लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे अब। अब देखिए ऑयल हमने गरम किया हुआ था इसमें डालेंगे। आंच को आपने दरमियानी रखना है, ना ज्यादा तेज करना है और ना ज्यादा लाइट, दरमियानी आंच रखनी है। देखिए फ्राई हो चुकी है हमारी चीज। जी गाइस देखें, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हमारी तैयार है। 2 के ऊपर मैंने वो लगाए थे नगेट्स और 2 के ऊपर मैंने हली ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और ये मैं आपको अब खोल के दिखाती हूँ। इनके ऊपर मैंने कोकोनट पाउडर डाला है और ये देखें ये हमारी चीज़ फ्राई और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बना के कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा।